तो भाई पारस बताएगा कैसा है। पारस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फौजन की दुनिया में आपका स्वागत है एक नए व्लॉग के साथ। तो भाई अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, पूछो मत, बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा ना। तो बारिश हो रही है भाई यहाँ पे, 3-4 दिन ऐसी बात नहीं, लगातार बारिश भी बहुत हुई है। बट भाई गर्मी भी उतनी ही हो रही है, बड़ी नहीं रही, बड़ी इतनी ज़्यादा वो रखी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो भाई पारस की डिमांड पे आज बनेगा पिज़्ज़ा। तो भैया पिज़्ज़ा बेस में वहाँ से लेके आई थी घर से, क्यों भाई मैंने बना लिया था तो फिर मैंने सोचा कि एक रखा था ये यहाँ बना दूँगी। बट ये देखो भाई ये टाइट हो गया, ये किसी काम का नहीं है। अब तो इसको भाई डस्टबिन में डालते हैं या कोई बैस वगैरह खा लगी बैस वाली में, फिर भाई मैदा है फिर मम्मी जी से पूछ के डाल दूँगी। अभी यहाँ रख देते हो साइड में, क्योंकि भाई मैदा होता है ना, मैदे का थोड़ा सा ही रहता है कि भाई वो होता है बैस है, क्या पता कहीं चिपक जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ भाई सारा सामान जो जो मेरे को लेना है। ये देखो भाई फ्रेश पिज़्ज़ा बेस लेंगे हम इसके लिए, और ये भाई मैं वहीं से लेके आई थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहता है इसमें से पिज़्ज़ा सॉस खिसल के निकल जाएगी। और एक ग्रीन सॉस का ये लेंगे भाई, और भाई ये चिली फ्लिक्स है ये लेंगे। चिली फ्लिक्स भाई आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हो, हालांकि मैंने बनाई नहीं है बट बहुत इजीली बन जाती, कुछ नहीं है इसमें। और भाई और भाई और भाई और भाई और भाई और भाई तो भाई एक तो चीज़ें और निकाल लेती हूँ भाई, मैंने निकाल ली है चीज़ें। तो ये भाई मेयोनीज, मेयोनीज भी नहीं बची हुई, बस ऐसे ही थोड़ी सी एक स्पून निकले। मतलब मैं ये लेके आई थी कि इनका एक पिज़्ज़ा बेस था मेरे पास बचा हुआ था और मेरे को खाना नहीं था उस टाइम, मेरा मन नहीं था क्योंकि हस्बैंड चले गए थे और मैंने उससे पहले ही बनाया था। तो ये एक बस फिर मैंने खाया नहीं, और मेरे पास मेयोनीज वगैरह भी कम थी। तो अब यहाँ से पारस पे मंगवा के फिर बनाऊँगी। तो भाई अभी पारस लेने जाएगा और भी, तो देखो भाई मैंने कर लिया है मेन मेन, मेयोनीज भी है, चीज़ भी भाई, चीज़ भी भाई ये मेरे पास घर पे मैंने बहुत बार यूज़ कर ली थी मेयोनीज में, पास्ता में, क्योंकि चीज़ तो भाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है। और ये भाई मैंने ले लिया प्याज, प्याज को लंबे लंबे काटेंगे और टोपली टाइप से निकाल लेंगे जैसे निकलती है। भाई गर्मी बहुत हो रही है तो बनाना अभी स्टार्ट करेंगे, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। पारस स्वीट कॉर्न लेने गए हैं और शिमला मिर्च लेने गए हैं, अगर मिल गई तो ठीक है, वरना प्याज टमाटर का भाई हर बार बनाती हूँ मैं, घर में इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। बट यहाँ पे ये हैं कि शॉप पास में होती है, तो पारस को मैंने बोल दिया पारस अभी लाएगा, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ भाई। तो भाई पहले हम अपना काम कर लेते हैं। ये भाई इसके ऊपर प्रिंट रेट पारस भाई 40 का लेके आए, 45 इसके ऊपर प्रिंट रेट भाई, जो पिंक रहा होता है ना उसको बहुत अच्छे से कवर करके रखना होता है, अगर उसका कवर निकालेंगे तो हमारा अच्छा नहीं बनेगा। मतलब ये हो जाता है अभी, और बहुत ध्यान से निकालना पैक उठता ही हो जाती है। बट भाई इसके अंदर एक टिश्यू पेपर आता है, इसके अंदर नहीं हो, ठीक है, ऐसे ही फोल्ड करके किसी पॉलिथीन में सब रखूंगी। जब तक भाई एक ऐसी प्लेट लेंगे जो आपके इसके अंदर आ जाएगी, तो इसके अंदर वही वाली प्लेट ईजी आ जाएगी, तो मैं इसके ऊपर ही बेस रखूंगी। देखो मेरा बेस इसमें पूरा पूरा आया है, और पहले इसके लिए प्लेट पर मैं ये वाली नहीं लेंगी, इसका ऐसा है थोड़ा तो बेस ना हो। ये वाली ज्यादा बड़ी हो जाएगी भाई, थाली भी ज्यादा बढ़िया है इसका, मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है कभी बीच में हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो भी थोड़ा सा हम लगा देंगे ऑयल, मतलब कुछ भी लगा देते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है कि ऑयल लगाना है, थोड़ा घी हो तो घी लगा सकते हो, और ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाना बिल्कुल, ऐसे भाई इसको सारी तरफ से वो कर देता हूं हमारा चिपके ना। तो ये आपको क्लीन कर लो क्योंकि जो हमारा होता है ना पसीने पूछने के लिए या कुछ भी। अब इस बेस को इसके ऊपर रखेंगे, अब भाई डालेंगे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। भाई आपके पास चीज़ हो तो आप वो भी डाल सकते हो, मतलब दूसरी सॉस आती है एक जो कि चिली सॉस बोलती है जिसको शायद, मेरे पास वहाँ पे रखी है वो नहीं लेके आई, वो जाती रहती थी इसलिए, ये तो थोड़ा थोड़ा सामान है तो मैं ले गई थी। ये देखो भाई ये कैसा हो गया है, इसे थोड़ी देर बाहर छोड़ देती हूँ गर्मी में, अपने आप इसकी हेल्थ निकल जाएगी। देखो अभी ऐसा है ना थोड़ी देर में नरमा जाएगा, तब तक भाई मैं ग्रीन सॉस तो इसको भी आप स्पून से भी कर सकते हो, फिंगर से भी कर सकते हैं, बट मैं कर रही हूँ थोड़ी मेयोनीज ले लेते हैं। इतना नहीं है सामान, थोड़ा ही है बट ये इनका बन जाएगा। और इसमें भाई जब तक आप क्या करूँ,
ऑन करके इसमें जब आपका बेस थोड़ा सा रेडी हो जाए, नमक डाल के नमक को फैला दो, बीच में रख दो कटोरी। अब मैं जैसे करूंगी आप देख लेना, और फिर वो उसमें स्टीम बन जाएगी, फिर वो उठा के स्टीम के अंदर छोड़ना है। तो पहले अभी बारिश नहीं आई तो इसलिए मैं फोन निकल रही हूँ। तो इनको मिक्स कर देंगे, जो मैंने इसके ऊपर डाला है। टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस डाल सकते हो आप। तो भाई और भाई ये बेस है जो हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, इसका टूटने का डर रहता है। तो पॉलीथिन को आप ये ना सोचे कि एक कॉर्नर से ही निकाल लेंगे हम, एक कॉर्नर से नहीं निकलेगा। क्यों भाई, मैं एक बार निकाल रही थी तो मेरा टूट गया था खुद का ही, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले ही। भाई बारिश काफ़ी टाइम से कर रहा था कि यार ये बनाया नहीं मेरे लिए पिज्ज़ा बनाया नहीं, तो इसलिए आज इसके लिए पिज्ज़ा ही बनेगा। भाई पिज्ज़ा बनाते बनाते मेरा हाथ बुरा हो जाएगा, बट कोई नहीं। तो भाई इस चीज़ को हम किसी चीज़ में किया कस से कस लेंगे। मम्मी जी किया कस कहाँ है? भाई पैसों की तरफ से किया कस लेके जाना पड़ेगा। तो भाई किया कस मैं ले आई हूँ। अब भाई एक प्लेट और इसमें अच्छे से हमारी चीज़ का पीस कट, आपके पास भाई जाने वाली हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट भाई मेरे वाले मेरे पास बॉक्स की थी जिसमें कि भाई भाई ऐसे ऐसे कस लेंगे ताकि हमारी चीज़ बिल्कुल यम्मी यम्मी हो जाएगी। देखो ऐसे थोड़ी मैं मुँह काट रही हूँ, ज़्यादा बारीक हो गई उस वाले में। भाई चीज़ की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, और आपको बताने वाली चीज़ आएगी तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। भाई मेरी वैसे वाली चीज़ है तो इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। क्या हो गया? मैं पता नहीं उसे शिमला मिर्च मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं तो देखो भाई ये हमारी चीज़, चीज़ की मात्रा में बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, चीज़ में कटौती करनी तो आपका पिज्जे में कटौती होगी, सोच लेना। पसीना टपक टपक है। तो ये देखो ये भी होगी हमारी नरम नरम जो हमने रखी थी, इसको बता देते हैं। भैया डाल देते थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। हाँ भाई काट लेते हैं प्याज, लंबे में काट लो ऐसे बारीक बारीक। किसी को भी किसी टाइप की पसंद है, किसी को किसी टाइप के, तो जिसको जिस टाइप की पसंद है वो वैसे काट के हम इसमें डाल दें। भाई मेरा तो पीस अच्छा बना है तो आप भी ट्राई करके देखा, मैंने तो कई बार बना लिया इसलिए। तो देखो इसके हम लेयर ऐसे फाड़ देंगे। देखो ये जो है ना ये केक निकाल लो। देखो भाई टमाटर काट लेते, ये भी आपकी चॉइस करेंगे कैसे भी काट लो। मैं छोटे छोटे काट रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं काट रही हूँ। ये भी कहीं कहीं डाल चुकी है, मेरे पास अभी शिमला मिर्च भी आएगी तो मेरे को उसका स्पेस भी रखना है। तो फिर से हम थोड़ा सा चीज़ का यूज़ करेंगे इसके ऊपर ही। अभी थोड़ी सी अगर आपको लाल मिर्च डालनी है डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा यूज़ करी जिससे भी थोड़ा सा तीखा हो जाए। थोड़ा सा नमक जिससे भी ये हमारी ना फीके फीके नहीं आएंगे। और भैया आपके पास चाट मसाला है, आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो भी मैं थोड़ी सी चीज़ और कर लेती हूँ, थोड़ी सी मेरे को कम लग रही है। हमारी चीज़ होगी और भी, और देखो भाई हमारा पिज्जा भी लगभग ऐसा हो गया। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च और डालनी है, वो रख दूंगी और बाकी चीज़ और डालेगी और हो जाएगा ये फिर यम्मी। तो अपना सामान रख देते हैं वापस।
हरी मिर्च काटने की सोची थी, मैंने नहीं काटी। ये भाई क्लीन कर देते हैं यहाँ से, ताकि फाल साइड से मिर्च रह जाएगी बस। भाई 5 मिनट भी नहीं लगते बेस रेडी करने में, अगर भैया पहले चॉप करके रख लोगे तो। जैसे मैंने तो रख नहीं रखा था भाई, चॉप करेंगे हम। अभी थोड़ा सा भाई जो ऑयल है इसमें सोख जाएगा, फिर देखो नमक काट ले लिया। और एक स्टेप की कटोरी है ना, कोई भी साइज़ हो, कोई नहीं है कि भी साइज़ ये नहीं लेना वो नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ी सी डाली ले लो, मतलब अपनी कढ़ाई की कोड़ी जो आपको कवर हो जाए वो ले लो। अब इसको स्प्रेड कर देना नमक को डाल के ऐसे, मतलब एक जगह निकालना फैला फैला के ऐसे ऐसे करके डालना। तो देखो मैं आपको पास से पिज़्ज़ा का बेस रेडी हो गया। अभी इसमें शिमला मिर्च डालूंगी और ये चीज़ रखी चिली फ्लेक्स अभी और डालना है। तो भाई ये मैंने नमक है जो स्प्रेड करके ऐसे फैला दिया है, तो अब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ऐसे थाली, ऐसे कटोरी रखनी बीच में ये वाली ऐसे, और फिर रख देती हूँ थाली। तब तक भाई ये स्टीम करेगा जब तक पारस आ रहा है, तो धीमी लो फ्लेम पे कर देती हूँ क्योंकि पारस अभी आया नहीं है ना। फिर भाई इसको मैं छानने से कवर कर दूँगी, जो स्पेस दिख रहा है ना ये नहीं दिखना चाहिए, मेरे पास इससे छोटी है नहीं तो इसलिए वो दिख रहा है। तो देखो भाई अभी ये कर दूँगी, फिर आप नमक बाकी यूज़ कर सकते हो दोबारा भी, तो अभी पारस आ जाएगा फिर करते भाई। तो भाई पारस लिया स्वीट कॉर्न, स्वीट कोने से निकल रही है वो क्या था, मैंने अपने लिए रख रखी लगे लिए तो भाई लिया पारस भाई, इतनी काटे लगा रखी ना इतना दिमाग खराब हो जाता है। नहीं खोलते रहो ये कितनी काटे कोई लगा रखते हैं ना, खराब हो कैसी भी हो जाती जाएगी। अभी देखना भैया तो बिल्कुल आइस में हो रखी, अभी मेरे को पहले बॉइल करनी पड़ेगी, मेरा तो काम बड़ा उसका क्या गया। मैं थोड़ी सी नॉर्मल वाटर में डाल के नॉर्मल करूँगी पहले। अभी इसमें डाल के भी साइड में बॉयल होने लगती है, थोड़ी सी हो जाएगी मतलब नॉर्मल वाटर में। तब तक मैं कर लेती हूँ चॉप शिमला मिर्च, ये भी गई शिमला मिर्च देखो कैसे जैसे पेड़ से टूटी हुई है। इसको भी भैया आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग काट सकते हो, लंबी छोटी मोटी पतली, तो भाई मैं तो ऐसे काटूंगी। तो देखो ये कट गई, अब इसको ऐसे ऐसे डाल देते हैं। तो ये भी डाल के भाई यहाँ पर देती हूँ भाई, क्योंकि इतनी नहीं डालने पर थोड़ी सी डलती है। तो भैया नॉर्मल हो चुके मतलब थोड़ा सा, तो ये देखो भाई मैंने छान ली। अभी करना भाई थोड़ा सा ध्यान से उठाना, अगर आप इसको बिल्कुल बॉइल करना चाहते हो ना तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैंने बिल्कुल बॉइल नहीं किया। गरम 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 अभी आप डाल देते चिली फ्लेक्स ताकि ये दिखे दिखे ना हमारी चीज़ें। हाँ भाई भर के डाल देते हैं प्रोसेस चीज़ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर विट पिज़्ज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चीज़ हमारा, चीज़ के बिना भी कोई पिज़्ज़ा नहीं है, ये बात मैं पहले क्लियर कर देती हूँ आपको। कभी आप सोचो विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा नहीं, भाई विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा नहीं मिल सकता, उसमें भी को फीलिंग नहीं आएगी फिर आपको। अब भाई बड़ी ही ध्यान से उठाना होता है, जो हमने गर्म करना रखा है ना वो उठा के इसको ऐसे कैसे प्लेट रखो। अभी मेरे साइड में स्पेस है तो इसलिए इस छानने का यूज़ कर रही हूँ, और इसे डाल दो। अभी से होने दो स्टीम 15-20 मिनट, अच्छे से बीच में अपना चेक कर लेना वैसे लगेगा नहीं।
तो भाई मिलते हैं पिज्ज़ा बनने के बाद। इसमें क्या होगा भाई, आप हटा के देखोगे ना तो आपका पिज्ज़े की जो ऊपर की चीज़ है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। करेक्ट 15-20 मिनट में संभाल लेना एक बार, मिलते हैं पिज़्ज़े के साथ। तो भाई हम अपना बहुत ही ध्यान से भी मैंने छानना तो उतार दिया, एक ही बीच हुई अभी बहुत ही अच्छी। देखो लग रहा है ना आपको मेल्ट हो गया, देखो ये होगी मेल्ट, तो ये बहुत ही ध्यान से अभी इसकी स्टीम निकल चुकी है, मैंने एक साइड से उठा दी थी इसलिए अभी इसको ऐसे बहुत ध्यान से भाई गर्म है ये, अभी ये उठानी है। पहले इसको गैस से उतार लेती हूँ। तो देखो भाई हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अभी इसको इस छानने से उठाती हूँ भाई, गर्म है बहुत ध्यान से क्योंकि भाई ओवन नहीं है ना, कि भाई ओवन है कुछ और है। तो देखो भाई, और देखो ये नमक हो गया ना ब्लैक, भाई आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने इसमें नहीं बनाया तो भाई मैंने इसी में बनाया है, मैंने आपको भी प्रूफ दिखा दिया। अब ये थाली भी ऐसे ही गर्म है, चिमटा चिमटा नहीं है, देखो कैसे रखा हो रखा है नमक। तो ये नमक भाई बाद में ठंडा होने के बाद यूज़ हो जाएगा, रीयूज़ कर लेंगे इसे हम। तो भाई पहले इस पिज़्ज़े को उतारते हैं नई प्लेट में, क्योंकि भाई वो प्लेट है जो वो हमारी देखो गर्म है बिल्कुल। भाई अब इसको उतारते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से उठाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। देखो भाई आराम से हो गया ना, देखो कहीं भी नहीं लगा, और आपके सामने क्या भाई बिल्कुल, अगर आपको ये लग रहा हो कि नहीं ऐसे नहीं है, और आप भाई इसे पलटे से काट सकते हो ऐसे प्रेस करके, क्यों नाइफ से नहीं कटता भाई, उनके पास कटर होता है वो तो काट लेते हैं बट हमारे से नहीं कटेगा, तो इसलिए भाई मैं पलटे से काटती हूँ। तो देखो भाई सब कुछ आपके आगे कर रही हूँ, कभी आपको ये लगे कि नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं तो झूठे हैं ऐसे हैं, क्यों भाई कई चीज़ें बनती नहीं मेरे को पता है, हम नेट से देख जरूर लेते हैं बट भाई मेरा देखो कट भी गया है पिज़्ज़ा जैसे आपको दिख रहा है भाई, मुझे ऐसा तो नहीं कटता क्योंकि कटर नहीं होता भाई हमारे पास। थोड़ा सा भाई प्रेस करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं कटता। तो देखो भाई ये पीसेस अलग हो गए बिल्कुल, देखो तो आप ऐसे एंजॉय कर सकते हो। तो भाई अभी अंदर दे के पूछते हैं टेस्ट कैसा, फर्स्ट किचन बंद कर दे। देखो भाई कट चुके बिल्कुल सारे पीसेस, तो भाई मोम को दे के पूछते हैं कैसा क्या है। लो मम्मी जी, भैया जी मतलब शक्ल से ही लग रहा है कि हाँ वो टेस्टी है। मैंने यहाँ घर पे तो घर पे तो मैंने सेकंड टाइम ही बनाया, अपने वहाँ तो मैंने बहुत बार बना लिया, तो अब धीरे धीरे सारी चीजें वो हो रही है। खा के बताओ कैसा है। तो कोई नहीं भाई, पहले मम्मी जी पानी पिएगी। और भाई मतलब अलग से लग रहा है कि हाँ अच्छा है थोड़ा सा। देख भाई मशीन तो मशीन ही होती है, हाथ हाथ ही होते, ये बात तो माननी पड़ेगी, बट हम ये अपने उसके लिए बना लेते थोड़ा सा। मेरे को भी दे दे पास पानी, तो गर्मी इतनी हो रही है ना, पानी की प्यास बार बार लग रही है। मम्मी जी बताएगी अब। नीचे से बेस दिखाना, जला तो नहीं हुआ ना? ना। देखो भाई बेस देखो, बिल्कुल भी नहीं जला हुआ, आपको दिख रहा होगा। पहले भाई मेरा फर्स्ट टाइम में जल गया था। हाँ सॉस ला दे पारस, मिर्ची वगैरह सब कुछ ठीक है। तो भाई मम्मी जी को तो पसंद आ गया, पारस बताएगा कि भाई पारस के लिए ही बना है। बढ़िया, नहीं पाउच है शश, नहीं रेड भी है। तो भाई मैं भी इंजॉय करती हूँ, किसी को खाना हो तो आ जाओ, अपने अपने पीसेस उठा लो। भाई मैंने भी उठा लिया पीस, टेस्टी है भाई वाकई में, अपनी तारीफ को सैल्यूट है। देखो भाई चीज वगैरह बिल्कुल थोड़ा। तो भाई पारस बताएगा कैसा है पारस। बढ़िया